Hi, this is Richa. I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fam. New Gana. I know, and this is so exciting. अच्छा एक और चीज़, ये वीडियो आज ही जाने वाला है. हाँ, आज ही जाने देंगे. हाँ, तो उनका नाम क्या था? फातिमा नाम था क्या? आई डोंट रियली रिकलेक्ट द नेम, लेकिन वो उनका बर्थडे है आज. तो अच्छा, हाँ, आपका बर्थडे. मैंने जस्ट उनको मैसेज किया था हैप्पी बर्थडे. अच्छा, मीन इंसान. अरे उनका कमेंट्स में था. yes, तो he है, yes, he ही है. मैं वेट करती थी, मैंने कहा कि अगर आज वाला वीडियो आज ही जाएगा तो हम उसको विश कर देंगे. हैप्पी बर्थडे. ओके, तो फोक स्टूडियो हर वीक का एक रिचुअल हो चुका है. इट इज सो एक्साइटिंग हर वीक न्यू आर्टिस्ट को देखना. एंड फॉर अ चेंज आई थिंक हम इनमें से वो ग्रुप को नहीं जानते. दरवी ग्रुप को जानते हैं हम? नहीं जानते, राइट? फारिश शफी को जानते हैं, उमेर भट्ट को जानते हैं. सो दिस इज सो एक्साइटिंग. लेट्स स्टार्ट. किसी को पता है जॉनर क्या है कुछ गाने के बारे में? ब्लॉकबस्टर नाम से तो लग रहा है वो पंजाबी ढिंचा और प्लस फारिश. सो लेट्स स्टार्ट. Coke Studio, Season 15. ਬੇਟਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਂ ਆਏ ਵੇ ਕਬੇਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਗਿਫਟ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਆ ਤੇ
ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਇਆ ਡੇਰਲੀ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਧਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਰੂਲੀ ਸੈਂਸੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਆ ਨਵਰ ਨਵਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਦੇ ਬੇਰਲੀ ਸ਼ੋਰਲੀ ਕੇਵਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਨਾਉ ਵੀ ਨੋਵਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਖੁਦ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੂਏ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਓ ਮਾਈ ਲਵ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਆਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ किसी ने कुछ नोटिस किया वन शॉट पूरा क्या भाई वन शॉट के लिए बहुत चैलेंजिंग वीडियो लिया है और देखा जाए कि ये विजुअली अभी तक के जितने हमने स्टूडियो के वीडियोस देखे थे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये क्योंकि इट वाज ऑल अबाउट मतलब एट टाइम्स सो सेलिब्रेशन हां एक बहुत लोकल फीलिंग वो वन शॉट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है वो सब्जेक्टिव बात है किसी को लगे किसी को ना लगे बट हाँ इसमें ये चैलेंज जरूर था जहाँ पे इतने सारे लोग इतने सारे लोगों पर सिंक होना चाहिए कोई कैमरा में नहीं अटक सोच कोई लास्ट में अटक गया ये तो होता ही होगा क्योंकि जैसे वो गला लग गया हाँ चली जैसे आवाज तो उसके जितने अपन ने चीजें सुनी है कि एंड में कोई कैसे गिर रहा है इतना सा होते ही वापस आई थिंक वो बात अलग है इस गाने में मतलब इतना होमली फीलिंग रखा है उन्होंने कि तुम्हारा जो एकदम कोई क्राउडेड लोकल गली लेकिन स्टिल उसमें तुम्हारा वाइब है ये बहुत ग्राउंडेड था ये बहुत मॉडर्न भी था लाइक आई थिंक एक परफेक्ट मिक्सचर था जहाँ पे वो लोगों ने वाइब कितनी जैसे यू नो कपड़ों में भी वो एकदम पंजाबी कपड़े पहने हुए फिर एंडिंग में जाके काफी तक मॉडर्न टच था उसका आई थिंक बच्ची जो आती है क्यूटी आई थिंक वो गर्वी ग्रुप के होंगे हाँ प्रोबेबली बट हाँ वो लेडीज को एकदम वैसे ही दिखा रहा है कि कोई तुम्हारे जो ऐसे गली में आंटीज रहती है ना जैसे शादी और में गाते हैं और सब एकदम वैसा लुक दिया है एक्चुअली वो लोग को इतना सेटअप के हिसाब से आगे पीछे करना आई थिंक वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि बाकी तो फिर भी एक आर्टिस्ट होता है आई थिंक काइंड ऑफ आप यूज टू जाते हो एक एटमोसफियर से लेकिन उनको जैसे जैसे प्लेस किया गया आई थिंक वो कितने सारे शॉट्स कितने अमेजिंग थे वो रिक्शा वाला आई गेस इसमें एक वो भी बहुत अच्छा सीन था जहाँ पे वो बस में जाते हैं हाँ. और बस से जब निकलते बाहर का पूरा लाइटिंग चेंज है सब डिम सब अलग इस बार अपन तो नहीं बात कर रहे थे कोई और कर रहे थे हम लोग बोल ही रहे थे कि एक तो वन शॉट आएगा इधर तू मैं कोई एक तो वन शॉट वीडियो आएगा ही आएगा क्योंकि फिल्म लेंगे आया था वो वन शॉट था तो मे बी इस बार भी कोई एक वन शॉट हो यस बट जैसे फिल्म लेंगे इतना हैपनिंग नहीं था ये तो बहुत चीज है यार सोच अगर इंसान भी सब जगह पे सब कुछ बराबर हो रहा है कुछ एक टेक्निकल ग्लिच और जीरो आई थिंक ये वन शॉट का रहता है ये वो हमेशा ही रहेगा और इन लोग के लिए कंप्लीटली वन टेक है क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग वहीं पे ही गा रहे हैं और वहीं पे ही सारा म्यूजिक बज रहा है अगर गा रहे तो फिर तो इट इज वेरी चैलेंज यार मुझे नहीं लगता कि गा रहे लेकिन वो लोग कह रहे हैं तो ऐसा होगा ही हाँ होगा बट यार इतना भागना इंसान को उसके बाद कैसे आवाज बराबर हो सकती है भाई इसी के लिए बोल रहा हूँ मैं डिफिकल्ट होगा हर जगह पे वो लोग के प्लेसमेंट और वो फारिस कैसे ऊपर वो चढ़ रहा था आई थिंक फारिस की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से चढ़ना चाहिए भाई उसके बाद इंसान हाफेगा कैसे नहीं भाई स्टार्टिंग से एंड तक भाग रहा है फारिस अब उतना प्रोफेशनल हो चुका है कि बहुत कड़क वाइब है मैं उनके चक्कर में वो एक गाना बहुत बार सुनी वो मुआजिज मुझे उसका आगे नाम एक्चुअली मेरे दिमाग में दूसरा फॉन्ट नेम चल रहा है इसलिए मेरे को वो याद ही नहीं आ पा रहा है मेरे दिमाग में आ रहा है मुआजिज सिर्फ बट हाँ वो एक गाना है ना उनका मिशा शफी के साथ में कुक स्टूडियो का ही था लास्ट ईयर का ही अच्छा ओके उसमें उनकी आवाज बहुत अच्छी लगती है तो मैं वो सुनी हूँ इतनी बार उसका नाम क्या था मुआजिज मुआजिज थोड़ी था
मुझे जहाँ तक लगता है मुआजिज समथिंग था. ओके बहुत मजा आया जाने के लिए, बहुत एक्साइटमेंट है. आई नो एंड बहुत अच्छा लगा. तुम लोगों को क्या लगता है कितने रीटेक हुए रहेगा? वो सब तो रिवील करना चाहिए यार, ये लोग करेंगे क्योंकि वो पूरा एक जर्नी तो दिखाने वाला. आई थिंक एटलीस्ट 10-15 तो होने ही चाहिए मिनिमम, क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे और उनके सेटअप्स भी काफी हद तक चेंज हो गए. आर्टिस्ट लोगों का पेमेंट पूरा निचोड़ लेते होगे ना ये लोग कि भाई वन शॉट है वापस वापस. अब क्योंकि तो सोच कैमरामैन के लिए कितना बड़ा था. भाई उन्होंने ये सेट बनाया है उनके लिए, उनके लिए टेक्निकल क्यों के लिए पता है क्या है मेरा रोल क्या है, मुझे यहाँ से वहां जाना है, मुझे उतना पता है. अब ये पूरा एक लाइक यू नो प्लान करना और एक एक इंसान को ये बताना कि तुम यहाँ पे इस पॉइंट पे हो और इस पॉइंट पे जब नहीं हो तुम्हें यहाँ से कहाँ जाना, और ऐसे इतने सारे लोग. बट अच्छा मुझे लगता है मेन आर्टिस्ट के लिए ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि उसके लिए तो पूरा थ्रू आउट द वीडियो उसको कहीं ना कहीं पे दिखना है. नहीं जैसे उमेर भट्ट नहीं दिख रहे थे, फारस पर भी दिखे हैं लेकिन वो नहीं दिखे हैं, जैसे गर्वी ग्रुप नहीं दिखी है, तो वैसे कह रही हूँ. जितना बड़ा रोल है एंड वो कैमरा को एक्चुअली इतना हेवी वो पूरा सेटअप लेके यहाँ या लाइटिंग का इतना बड़ा रोल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर.